पूर्व सांसद व जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को लगातार सत्तापक्ष और विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। जेल भेजकर नीतीश सरकार सवालों से घिरी है, क्योंकि अपने ही दल के नेता अब पप्पू यादव के साथ हो गए हैं। और ऐसे में नीतीश सरकार ने जो बड़ी कार्रवाई की है, इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने बड़ा बयान दिया है। अजय मंडल ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा है कि उन्होंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था अभी कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। राजीव प्रताप रूडी के घर पप्पू यादव के रेड पर भी अजय मंडल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट पप्पू यादव ने रेड करके सब कुछ दुनिया को दिखा दिया, क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अजय मंडल, जरा आप सुनिए। पप्पू यादव को जेल कर दिया गया सर, कार्रवाई कर। देखिए, पप्पू यादव को जेल कर दिया गया है, तो पूर्व सांसद पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन पर बहुत सारे मामले पहले से लंबित थे। उनको इस विकट परिस्थिति में जब वो हमारे माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के घर पर गए, उन्होंने ये गलत किया अपने से जा करके, उनको कानून के तहत जाना चाहिए और कानून के तहत जा करके कुछ सारे एम्बुलेंस कुछ जनता के प्रति सुविधा के लिए मांग रखना चाहिए। लेकिन उन्हें डायरेक्ट जाने से दिक्कत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इतना भी वो गलती नहीं किए थे कि उनको इस तरह से जेल में देना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही मांग रखे, तो उनसे गलती हो गई। और ये 32 साल पुराना केस में बेलकुट्टी में अगर दिया गया तो वो पदाधिकारी भी दोषी है, वो थाना भी दोषी है जिन्होंने इसके पुराने बेल को रखा जमा करके, इसको पहले ही अरेस्ट करना चाहिए। इस अगर उनके यहाँ बेल था, आज हम पर भी बेल टूटे, या तो आप उनको सूचित कीजिए आपका बेल टूटा हुआ है। मैं भी दो कई केस का मुदाले रह चुका हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ दूध का धोया हुआ, मैं भी केस का मुदाले रह चुका हूँ। अगर मेरे ऊपर वारंट है तो आप उनको सूचित कीजिए, हम बेल कराएंगे, अथवा हम बेल नहीं कराते तो आप हमारा उसी में अरेस्टिंग कीजिए, चलते फिरते अरेस्ट कर लीजिए। बहुत भी इसमें ना है कानून की भी, यहाँ मैं दोष देता हूँ कि 32 साल पुराना आप किस समय में आप अरेस्ट करने का कोशिश किया, ये समय केस निकालने के, वो थाना भी दोषी है जिस थाने में ये केस करा हुआ। वो लगातार कोरोना पीड़ितों को सेवा कर रहे थे पिछले बाढ़ से लेकर कोरोना काल में। बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। वो एक पॉलिटिक्स करने वाले नेता थे, वो जनता के प्रति अपना सारी भाव रखते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अगर उनका वारंट आ गया था, दोषी है कानून से, भाग तो नहीं रहा था उनको। आप पहले कहते हैं कि पप्पू जी आपने पेपर में देते हैं कि आप पर ये वारंट है, आप सिलेंडर हो जाइए, सूचना मिलना चाहिए पुलिस की तरफ से। अगर उन्होंने नहीं दिया और इस मौके का फायदा जिस पदाधिकारियों ने, जिस व्यक्ति ने उठाया है, ये यकीनन माना जाएगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा काम किया। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं एम्बुलेंस पकड़वाया इसलिए इसकी सजा मिला क्या? अब तो लोग यही कह रहे हैं तो हमको यही कहना होगा, हकीकत है उनको, उन्होंने गलती किया, मैंने पप्पू यादव ने गलती किया कि उनको कानून का सहारा लेकर के एम्बुलेंस को छोड़वाना चाहिए। एम्बुलेंस उतनी एम्बुलेंस कैद में थी, एक सोचने इस सप्ताह की घड़ी में एक सोचने की विषय था। हम माननीय राजीव प्रताप रूडी जी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एम्बुलेंस को पप्पू जी को भी चाहिए, हमारे माननीय पप्पू जी सांसद रहे। लेकिन सर, इस विपदा की घड़ी में एम्बुलेंस जमा रहना कहीं ना कहीं गुनाह तो है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, तो वो विपदा की, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि विपदा की घड़ी में कहीं एम्बुलेंस जमा, लोगों ने यहाँ अपनी जान निछावर करके प्राइवेट गाड़ी से पेशेंट को पहुँचाना शुरू किया, उनके यहाँ सरकार का एम्बुलेंस रखा हुआ था। ये तो बहुत निंदनीय विषय है जिसको मैं कभी नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ, जो अच्छा है मैं अच्छा कहूँगा, जो गलत है मैं गलत कहूँगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इस विपदा की घड़ी में पप्पू यादव ने गलती किया ये, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस के विषय में आवाज उठाया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक जनता के बीच में एम्बुलेंस यूज नहीं। क्या मांग करते हैं सर सरकार से? सरकार की बीमार चल रहे, बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। अब जो कानून के दायरे में जो चले गए, माननीय न्यायालय का जो निर्देश होगा जी, उनको पप्पू जी को भी मानना होगा, सरकार को भी मानना होगा और हमें भी मानना होगा। माननीय न्यायालय से हम लोग बढ़कर नहीं है, उनका
आदेश हम लोगों के सर आंखों पर है और स्वाभिमान से मैं उनके आदेश को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब ये मामला ना सरकार का है ना थाना खोली का, अब ये न्यायालय का। अब न्यायालय जो विचार, न्यायालय को जो उचित विधायक, न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सम्मानजनक आएगा, मैं उनका सम्मान करूँगा, चाहे मेरे विषय में आवे या पप्पू जी के विषय में। न्यायालय सर्वोपरि है, उसको सबों को मानना चाहिए।